तो हे गाइस, कैसे आप सब लोग। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी मेघरज से द्वारका के लिए। तो यहाँ पे हम रुके थे अभी मंदिर पे गली माता, जो मेघरज के बाहर ही है। और यह हम अब हमारा रूट देख सकते हैं। मेघरज से स्टार्ट करेंगे अहमदाबाद, अहमदाबाद से चोटीला, चोटीला से राजकोट और फिर जामनगर और फाइनली हमारी डेस्टिनेशन द्वारका। तो अभी थोड़ी देर में निकलते हैं हम अहमदाबाद के लिए और द्वारका कल से स्टार्ट करेंगे। अहमदाबाद एक नाइट स्टे है वहाँ पे, तो वहाँ से सीधा हम सुबह निकलेंगे 4 या 5 बजे द्वारका के लिए। ये वाला ब्लॉग स्टार्ट करते हैं हम अभी मेघरज से। तो अभी निकल चुके हैं हम द्वारका के लिए और अभी हमारा पहला पॉइंट है मोड़ासा। वहाँ से सीधा हम जाएंगे अहमदाबाद के लिए और एचके हमारे साथ आ रहा है, लेकिन वो अहमदाबाद जाके हमें मिलेगा। उसकी जो गाड़ी है वो सर्विसिंग पे है, तो वो लेके वो आ रहा है। और जो द्वारका का बजट है वो मैं आपको टोटली रिव्यू दूंगा ये हमारी ट्रिप ख़त्म होने के बाद, कि कितना फ्यूल का खर्चा हुआ, रहने का, खाने का, सब कुछ मैं आपको डिटेल में दूंगा। आगे आ चुका है पेट्रोल पंप, वहां पे हम अपनी टंकी फुल करवाएंगे और 830 की टंकी फुल हुई है। तो फिलअप तो हो चुका है, अभी निकलते हैं मोड़ासा के लिए। और पेट्रोल आया है 8 लीटर, 4 लीटर तो वैसे पड़ा ही था बाइक में, बट फ्यूल अप करवा लिया। अभी सीधा अहमदाबाद जाके बाइक रुकेगी। और ये मिरर हमने लगवाया अर्पित भाई से और ये फोन होल्डर भी लगवाया। चार्जिंग वाला लगाना था बट उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इसलिए वो हमने इंस्टॉल नहीं किया। और थोड़ी सी गोप्रो में प्रॉब्लम होगी, वो विंड की वजह से आवाज़ आएगी, तो इतना आप एडजस्ट कर लेना। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने टाइम से कहाँ पे था, तो जो मेरे फॉलोवर्स है इंस्टाग्राम पे उनको पता होगा मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो मेरा जो पैर था वो पूरा यार डैमेज हो गया था, इसलिए इस वजह से मैं इंस्टा पे रील अपलोड नहीं कर रहा था और यूट्यूब का तो बंद ही हो चुका था। तो फाइनली अभी हमने गोप्रो परचेज कर लिया और सीधा द्वारका की ट्रिप के लिए ट्रिप का प्लान कर लिया। लॉन्ग राइड पे मेरी ये पहले ही राइड है, उससे पहले मैं उदयपुर गया था, मैं और सुंदर और एक दूसरा एनएस था, तो हम 3 लोग गए थे सोलो में, बट उतना हम वहाँ पर घूम नहीं पाए और हमें उतनी नॉलेज नहीं थी कि कहाँ कहाँ पे घूमें। बट इस बार हम सही से घूमेंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसा है सब कुछ। यहाँ जो ये रोड है मेघरज टू मोड़ासा, यहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पे ढलान पे ही मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं सीधा बाइक से गिर गया था, यहाँ पे आके पहुँचा था। वो वाला दिन मेरे लिए बहुत ही खतरनाक था। तब उस टाइम मेरी एग्ज़ाम चल रही थी, तो मैं पेपर लिखने जा रहा था, थोड़ी सी रफ ड्राइविंग थी मेरी मैं मानता हूँ, बट जो गलती थी वो बाइक वाले की थी। वो अचानक से मुड़ गया, कोई साइड लाइट नहीं थी, कुछ भी नहीं, पीछे देखा तक भी नहीं, और उसने साइड में कर दी। तो मैं स्पीड में था, ऑब्वियसली ब्रेकिंग अप्लाई की, बट
टायर स्किट हुआ और सीधा मैं बाइक से ठुक गया, और मेरा जो पैर है वो नंबर प्लेट में घुस गया था, इसकी वजह से पूरा पैर कट गया था। बट भगवान की कृपा से सब कुछ जल्दी रिकवर हो चुका है, तो थैंक्स अ लॉट कि ये वाला जो मेरा सीन हादसा हुआ उसमें मैं बच गया, कोई दिक्कत नहीं आई। एंटर हो चुके अभी मोड़ासा में, और थोड़ा सा जो स्टिकरिंग का काम है ग्राफिक्स का वो करवा देते, फिर बाद में फ्रंट का जो टायर है पूरा घिस चुका है तो उसके बारे में सोचेंगे कि नया डलवाए या नहीं। तो अभी थोड़ा सा जो बाइक में काम है वो भी पूरा करवा देते। शॉप तो यार बंद है, क्या करें अभी, थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं, अर्पित भाई को कॉल करते हैं, फिर देखते हैं आगे का, सीधा अहमदाबाद निकल जाए या फिर थोड़ी देर एक घंटा यहाँ मोड़ासा में निकालें। बाइक का यार पोल्यूशन ख़त्म हो चुका है तो अभी वो निकलना पड़ेगा, तो यहाँ पे पास में एक शॉप है वहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे है पीयूसी वाला, पीयूसी पीयूसी निकली है। हाँ हाँ 5 मिनट यार बैठने को बोला है, क्या पता अभी कितना टाइम लगेगा। सो एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, मैंने जस्ट सुबह स्टोरी डाली थी और कुछ लिखा नहीं था उस पर कि मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ, बट बहुत लोगों का मैसेज आया है, मेंशन आया है, तो थैंक यू ऐसे प्यार के लिए। 12 स्टोरियाँ मेंशन हुई और सबको मैंने एड मेंशन भी किया है, बट अगर कुछ रह जाए तो उसके लिए सॉरी। अच्छा वो यहाँ पे ये मैंने स्टोर देख लिया और पोल्यूशन निकल गया, 40 रुपये हुए पोल्यूशन के। तो अभी HK आ रहा है तो सीधा उसके पास ही जाना है, और एक बार दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया सिर्फ एक स्टोरी पे। सभी लोगों के मैसेज आने लगे हैप्पी जर्नी ब्रो, तो सभी लोगों को थैंक यू। ये देखो ये रिक्शे वाले यार क्या ड्राइविंग करते हैं, एक साइड पे फोन चालू है और इनको यार ओवरटेक करने जाए तो अभी डर लगता है कि साले बीच में घुसा ना दे। और फोन आ रहा है किसी का, A few moments later. तो अभी एंटर हो चुके गांधीनगर के अंदर, एक चीज़ की प्रॉब्लम है बस बिंड आ रहा है हेलमेट के अंदर, जो मैंने माउंट लगवाया है उसकी वजह से थोड़ी सी एयर अंदर आ रही, इस वजह से आपको थोड़ा सा विंड का साउंड आ रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी। बस आप ब्लॉग एंजॉय करिए, ये वाला द्वारका का पता नहीं कहाँ पे लेके जा रहा है। मजा आ गया, अगर इस वाली ट्रिप के बाद किसी को हमारे साथ आना है घूमने के लिए तो बारिश के टाइम में रेडी रहना, क्योंकि सापुतारा और डांग का प्लानिंग है। सो गाइस ये छपरी देख सकते हैं आप,
जाना के पुई बिहाड़ जो बाढ़ने बिहाड़ो की माय नहीं बिहाड़वान। A few moments later. So, अभी निकल रहे हैं। अभी टाइम हुआ है 6 के आसपास। तो यहाँ पे हमारी बाइक खड़ी है। So, अभी एक बैग तो पीछे बांध दिया है। तो अभी चाय नाश्ता करने के लिए जाते हैं। पीछे जो बैग बांधी यार उसकी वजह से सांस फूल गई मेरी। जय द्वारकाधीश। तो अभी आगे कहाँ पे रुकते हैं? आगे जाके रुकते हैं और चाय नाश्ता करके फिर निकलते हैं। सो गाइस अभी चाय नाश्ता करके निकल चुके हैं। तो पीछे तो एचके कंफर्टेबली बैठ चुका है। सो अभी गांधीनगर से तो बाहर आ चुके हैं और राजकोट बजा है 220 किलोमीटर। तो अभी ये वाला हाईवे सीधे हमें पकड़ना है राजकोट के लिए। इस रोड पे जो तथ्य पटेल का एक्सीडेंट का केस बना था उसकी वजह से यहाँ पे स्पीड लिमिट है, तो उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अगर और स्पीडिंग करेंगे तो 2000 का चालान आएगा घर पे, और थोड़ा सा व्यू का प्रॉब्लम आएगा क्योंकि एच के थोड़ा सा आगे बैठा और मैं एकदम टंकी से नज़दीक हूँ। इसकी वजह से पूरा गोप्रो आगे की तरफ आ चुका है, तो इसलिए थोड़ा सा व्यू में दिक्कत होगा। रेड लाइट चालू हो गई, अभी सभी जगह का यही प्रॉब्लम रहेगा। थैंक गॉड कि सिग्नल खुल गया। अभी सभी जगह का यही प्रॉब्लम रहेगा, सिग्नल का प्रॉब्लम। 10-15 मिनट तो ऐसे ही निकल जाएगी। क्या हुई है सुबह सुबह का, मॉर्निंग में राइड करने का यही फायदा है, व्यू भी मिल जाता है, ट्रैफिक भी नहीं है और बाइक चलाने में एकदम मजा आता है। आगे जाके एक बार बाइक रोकनी पड़ेगी, उसके बोल रहा है पीछे वाली बैग थोड़ी सी ली, तो उसको चेक करना पड़ेगा एक बार।